नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देखेंगे कि ऋषि किस तरीका से लक्ष्मी के फेवर में बोलता हुआ नजर आएगा और यहां पर ऋषि की दादी भी। लेकिन दोस्तों यहां पर नीलम बोलती हुई नजर आएगी कि कोई किसी के फेवर में नहीं बोलेगा, जो जिसके जैसे कर्म रहेंगे उसके कर्म खुद ही दिख जाते हैं कि वो घर की अच्छाई के लिए हैं या बुराई के लिए हैं। जिसके बाद में ऋषि की दादी बोलती हुई नजर आएगी कि इतना तो हम भी बोलेंगे कि मलिष्का के कर्म तो इस घर के फेवर में नहीं है, क्योंकि मलिष्का स्वार्थी लड़की है। और ऋषि इस चीज़ को बोलता हुआ नजर आएगा कि कभी भी मलिष्का एक मकान को घर नहीं बना सकती, क्योंकि उसका लगाव नहीं है, उसका लगाव सिर्फ स्वार्थ के खातिर होता है। और लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी का हमेशा से ही देखा गया है कि लक्ष्मी जिसके साथ खड़ी नजर आती है वे स्वार्थ के खड़े नजर आती है, यानी कि उसका कोई भी किसी भी तरीका से फ़ायदा उठाने का रीज़न नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि कहानी का एक नहीं बल्कि समय एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट दस्तक देते हुए नज़र आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दोस्तों एक और भी इस समय की बड़ी खबर मिलती हुई नज़र आने वाली है, जहां पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा आप लोगों के बीच में ऋषि, वो भी लक्ष्मी से, कि लक्ष्मी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा था तुम्हारा ही रहूँगा और तुम्हारा भरपूर साथ दूँगा, क्योंकि ऋषि फेवर करता है दोस्तों खुलकर। यहीं पे ही ऋषि के भाई की बात की जाए आयुष की, तो आयुष ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि मेरे होते हुए लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई को कोई भी किसी तरीका की दिक्कत नहीं हो सकती, हम साथ थे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं हर एक चीज़ के पीछे एक नहीं बल्कि कई बेहद बड़ी वजह देखने को मिलती हैं, और इस समय की वजह आप लोगों के बीच में जल्द ही देखने को मिलती हुई भी नज़र आने वाली हैं। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।